का उदंड प्रदर्शन था, आप लोगों ने भी देखा है, लोगों को खदेड़ दिया गया। खदेड़ दिया गया, लाठी भी चार्ज हुई है सर। पीछे वाले लड़के के पास कोई दिक्कत है, हम लोग जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से तमाम जो बीएसएससी के छात्र थे वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर पटना विश्वविद्यालय से मुजफ्फरपुर हाट के रास्ते पूरे, अगर बात करें तो बाकरगंज होते हुए करगिल चौक जाना था, लेकिन वहां न जाकर वो सीधे जेपी गोलंबर तक पहुंच रहा था, वहां भी नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं एक डिवीजन रोड का रास्ता थाम कर वो पट्टा के डाक बंगला पहुंच गए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं भारी पुलिस की चाक चौबन व्यवस्थाओं के बीच उनका प्रदर्शन जारी था। ऐसे में कहीं न कहीं छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और कहीं न कहीं दौड़ा दौड़ा कर छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का ये पूरा नजारा आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बीएसएससी सीएलजी के प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद कहीं न कहीं पूरे जितने भी छात्र थे वो उतरे थे और लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी था। ऐसे में अगर बात करें तो कहीं न कहीं छात्रों द्वारा ये प्रदर्शन जो है वो प्रश्न पत्र को परीक्षा को रद्द कर फिर से पुनः परीक्षा लेने की मांग करते हुए जो भी इसमें संलिप्त देने की मांग करते नजर आया। हालांकि इस मौके पर लाठीचार्ज के मामले को लेकर जब इस बाबत पूछी गई है तो क्या कुछ कुछ कह रहे हैं कोतवाली डीएसपी, आइए सीधे सुनवाते हैं आप। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है और देखिए ये इंसाफ के बदले किस प्रकार अन्याय निर्दयी तरीके से मारा गया है, निर्दयी रूप से सर है वो हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, आपको हाईकोर्ट में होने का जवाब देना पड़ेगा। उदंड प्रदर्शन था, आप लोगों ने भी देखा है, लोगों को खदेड़ दिया गया। खदेड़ दिया गया, लाठी भी चार्ज हुई है सर। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से हजारों की संख्या में यह छात्र एकजुट हो गए थे और कहीं न कहीं पूरे यातायात व्यवस्थाओं को धूमिल करते हुए पटना के डाक बंगला चौक पर एकत्रित हो गए थे, जहां पे पुलिस द्वारा भारी संख्या में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, वहीं इस मामले में कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं और हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहेंगे।